और आपने कुरान शरीफ की तिलावत को, उसके पढ़ने को अपनी ज़िंदगी का असल महोर और मासल बनाया है। आपका यहाँ जमा होना और यहाँ रहना ये बहुत बड़ी कीमती दौलत और नियमत है। लिहाजा एक वो बच्चे भी हैं जो सुबह उठते हैं और कोई रेत की बुक्की चलाता है, कोई रेत में जाता है, कोई जो है मजदूरी करता है, कोई बच्चा है कि जो खेत में जाता है, और कोई आदमी है कि वो मोची का काम करता है। लिहाजा रात दिन इसी के अंदर उसकी ताकत सिर्फ होती है, उसका देखना भी उन चीज़ों को होता है। जो जूतों पॉलिश करने वाले होते हैं वो जूतों को देखेंगे, लिहाजा और वो अपने ग्राहकों को बुलाएंगे, ज़ुबान से कहेंगे कि आओ भाई पॉलिश करा लो। उसकी ताकत जो सिर्फ हो रही है वो उसी पॉलिश करने के ऊपर सिर्फ हो रही है। इसी तरीके से उसकी जो आँखें देख रही हैं वो जूतों को देख रही है। तो तमाम की तमाम चीज़ें, हत्ता के ख्वाबो ख्यालात में भी वो जूतों को पॉलिश करता हुआ अपने आप को देखता है। कोई ईंट के अंदर देखता है कि मैं तो आज इतने अगोले कर लिए हैं, मैंने तो आज मिट्टी की ढोली है और ये इतना काम करना है। तो देखिए, तो वो बच्चे हैं और वो लोग हैं कि जिनका पेशा और जिनकी रात दिन की शब रोज़ ज़िंदगी इसके अंदर मुनहमिक है कि वो दुनियावी चीज़ों को देखते हैं, ख्वाब के अंदर भी ताकत भी उसी के अंदर सब होती है, हाथ भी उसी तरफ चलते हैं। लेकिन एक आप हैं, आप जब सुबह उठते हैं तो कुरान शरीफ आपके हाथों में होता है और आपकी ज़ुबान कुरान शरीफ पर चलती है और आपकी आँख कुरान शरीफ को देखती है। लिहाजा पूरे दिन इसी के साथ में आपकी वाबस्तगी रहती है, हत्ता कि आप सो जाते हैं तो सोने के वक्त में भी लिहाजा आपके ख्वाब ख्यालात इस अंदाज से रहते हैं, मैंने कुरान शरीफ की बड़ा सूरत पढ़ ली है, कुरान शरीफ को मैंने इतना पढ़ लिया है, इतना सबक याद कर लिया है। हत्ता के बाद आदमी तो कुरान शरीफ की तिलावत करते करते उठते हैं, बेदार होते हैं। ऐसे भी हैं जो कुरान शरीफ की तिलावत करते करते बेदार होते हैं। लिहाजा बादात पूछते हैं ख्वाबों की ताबीर कि जी मैंने सूरह भूज तिलावत की है, मैंने सूरह तारिक की तिलावत की है, मैंने सूरह रहमान की तिलावत की है, इसकी क्या ताबीर है? तो मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आप तो बड़े अजीम शान इंसान हैं जिसे ज़मीन के इस कायनात के सबसे आला इंसान, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया खैर हुकुमन ताल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया खैर हुकुमन ताल्लम कुरान वाल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स जो कुरान करीम को सीख और सिखाए। और मैंने कुरान करीम आयत करीम पढ़ी, कुरान इस्तबिल लदीन यालमून वल्लदीन यालमून, कह दीजिए कि अहले इल्म और गैर अहले इल्म बराबर हो सकते हैं, यानी हर चीज़ ऐसा नहीं। एक तो वो लोग हैं कि जिनके सीनों में इल्म के खजाने हैं, इल्म के मोती हैं, और एक वो लोग हैं जिनके सीने इल्म से खाली हैं, खाली रारी हैं, या तो वो एक सब में एक लाइन में खड़े नहीं किए जा सकते हैं। इस तरीके से बीना नाबीना बराबर नहीं हो सकते हैं, गढ़ा इसी तरीके से हमारी जमीन बराबर नहीं हो सकती है, रोशनी और तारीखी बराबर नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। और पढ़ना भी ये पढ़ना कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो कुरान करीम की तिलावत आप कर रहे हैं, जो हदीस नबी को आप हासिल कर रहे हैं, हदीस को दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, असल इल्म तो ये है, बाकी दूसरे उलूम तो फ़नून है, दूसरे इल्म जो है वो फन की हैसियत रखते हैं। लिहाजा कमाई उनकी कमाई का जरिया है, लिहाजा हत्ता के कुरान हदीस का इल्म तो दुनिया कमाने के हासिल किया ही नहीं जाता है, न जायज़ा करना, बल्कि तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को पहचानने के लिए, इसलिए हम इसको हासिल करते हैं कि शरीयत मुतहरा हमारे पास आ जाए, हम जाने हमें अल्लाह ने क्या फरमाया है, हमारे नबी ने क्या फरमाया है, हम तो इसलिए इल्म हासिल करते हैं कि अल्लाह की रजा हम सबको हासिल हो जाए। तो अज़ीज़ तलबा, माशाल्लाह आपका यहाँ जमा होना और अपने माफी ज़मीर को अदा करना और तकारीर को सीखना, तकारीर को हासिल करना उस्तादों की निगरानी में, उस्तादों की मौजूदगी में, ये बहुत बड़ा अजीम शान काम है। बाद मदरसों में होता है ऐसा कि हाँ अंजुमन तो होती है लेकिन उस्ताद हाजिर नहीं रहते, लेकिन माशाल्लाह आपके यहाँ उस्तादों की निगरानी है, मौजूदगी है, और आपके हर चीज़ को हर अमल को आपको आपकी लिहाजा वो देखते हैं। तो लिहाजा आप तो मुताला इंसान हैं कि माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसे मौके की इनायत फरमाई है कि मदरसे की चार दीवारी इनायत फरमाई है और उस बाहर एतबार से तमाम चीज़ मुहैया आपके लिए दर्जा फरमा दिए। कि तो लोग ऐसे हैं जो शब रोज़ की ज़िंदगी में लिहाजा लंबे लंबे सफ़र करते हैं, हत्ता कि ऐसे भी लोग हैं जो रोज़ाना सोते रह जाते हैं और शाम में लिहाजा लौट जाते हैं या अगले दिन लौटते हैं। ऐसे भी लोग हैं रोज जो मियाँ सफ़र करते हैं इस खातिर कि दो रोटी की खातिर, पेट पालने की खातिर, और हमें अल्लाह ताला ने हमें पंखों के नीचे इनायत फरमा रखा है, आराम से बैठे हैं, लिहाजा हमारे खाने तैयार किए जा रहे हैं, दस्तखान बिछता है। आप देखिए कि जो लोग हैं जो स्कूल कॉलेजों में है या नौकरियों पेशा है, बड़े बड़े नौकरियाँ करती हैं, दोपहर खाना कैसे खाती हैं? कहीं बर्गर लेकर खा लिया, समोसे खा लिए और बस अपना पेट भर लिया, चूँकि दोपहर ड्यूटी पर रहते हो। और माशाल्लाह आप हैं, आपके दस्तखान सहर सहरा जाता है, रब किराम
किस्म किस्म की गजाएं उनके दस्तखान पर जमा रहती हैं। तो मोहतरम अजीज तलबा माशाल्लाह ने आपका इंतखाब फरमाया है और ऐसे इंतखाब के लिहाजा इंतखाब लाजवाब है कि इस गांव में कितने बच्चे हैं या आपके बस्ती में जहाँ जहाँ आपके रहने वाले हैं कितने बच्चे हैं। अगर देखा जाए कि अल्लाह ने इतबार बताला नहीं उन हजारों सैकड़ों बच्चों में से आपको निकाल कर अपने इल्म के हासिल करने के लिए जवाब फरमाया है और ये अल्लाह का फजल उसकी इनायत उसकी मेहरबानी है कि अल्लाह तआला ने आप सबको यह जवाब फरमाया है। लिहाजा जमा होने की कदरदानी फरमाए और अपने वक्त की कदरदानी फरमाए। लिहाजा एक लम्हा बड़ा कीमती है आपका यार इसलिए इन औकात की कदरदानी फरमाए। अल्लाह तआला हम सबको अमर की तौफीक अता फरमाए। अभी जो भी सफर हमें हमें एक लंबी जगह जाना है तो ये जगह वादा भी करा जल्दी पहुँचने का इंशाल्लाह फिर किसी मौके से ज़्यादा हाजिर होगी उसके बाद भी इंशाल्लाह लंबा खिताब होगा। और